आज मैं आपको कक्षा 11वीं रोम साम्राज्य के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। रोम साम्राज्य की जो व्यवस्था थी, जो कार्य करने का जो एक सभा होती है वो कैसी थी, वहाँ के शासक वहाँ पे कैसे शासन करते थे, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सीनेट, सीनेट क्या होता था? सीनेट रोमन शासकों की सबसे बड़ी सभा होती थी, जो संभवत प्राचीन काल में उत्पन्न हुई थी। सीनेट के सदस्यों की संख्या 300 होती थी तथा यह अत्यंत शक्तिशाली संस्था थी। इसके सभी सदस्य उच्च वर्ग अर्थात धनी वर्ग के होते थे। ये लोग निम्न वर्ग की ओर ध्यान नहीं देते थे। इस कारण तत्कालीन रोमन समाज के दोनों वर्ग, उच्च वर्ग अर्थात पैट्रिशियन, निम्न वर्ग अर्थात पब्लिबियन में बहुधा संघर्ष चलता रहता था। इस गृह कलह का अंत 450 ईसा पूर्व में हुआ, जबकि एक अधिनियम द्वारा दोनों वर्गों में समानता स्थापित कर दी गई। देश की शासन सत्ता सही मायनों में इसी संस्था के हाथ में चिन्हित थी। इसकी बिना स्वीकृति के कोई भी कानून पारित नहीं हो सकता था। उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करना, विदेशों के साथ संधि करना, उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना आदि सीनेट के अधिकार में ही था। सीनेट की प्रशंसा करते हुए कार्ल बैक ने लिखा, गणतंत्रकालीन रोम में जितनी योग्यताएं से सीनेट ने शासन किया, उतनी योग्यता से कभी भी पाश्चात्य देशों में से कोई भी जन समिति शासन नहीं कर पाई थी। असेंबली, असेंबली क्या होती है? असेंबली गणतंत्र की एक प्रशासनिक संस्था, संस्था की सदस्यता समाज के दोनों वर्ग, उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग, पेटिशियन और पब बिलियन दोनों के लिए खुली रहती थी। इस संस्था द्वारा काउंसिल की नियुक्ति की जाती थी। ये जो संस्था है काउंसिल, ये जो उच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, इसके रूप में भी कार्य करती थी। काउंसिल, काउंसिल क्या होती थी? काउंसिल के में दो अधिकारी होते थे जो शासन का संचालन करते थे। उनकी नियुक्ति चुनाव के माध्यम से होती थी, असेंबली द्वारा की जाती थी। इनका कार्यकाल एक वर्ष का होता था। इन दोनों में अधिकार समान होते थे और वे देश की सर्वोच्च सेनापति भी होते थे। गणतंत्रकालीन रोम में 454 ईसा पूर्व में एक विधि संहिता तैयार की गई। विधि संहिता क्या होती है? जिससे देश में, साम्राज्य में कानून नियम, जिससे प्रशासन चलता है, जिससे कानून का राज चलता है, उसे ये लिपिबद्ध होता है। और विधि संहिता, इस विधि संहिता को लकड़ी की तख्तियों पर लिखा गया था, जिन्हें 12 तख्तियों के कानून कहा जाता था। इस कानूनी संहिता में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, इसमें उच्च और निम्न वर्ग दोनों के लिए समान न्यायिक व्यवस्था पर बल दिया गया था। प्यूनिक युद्ध, लगभग समस्त इटली पर अधिकार करने के बाद रोम एक बहुत शक्तिशाली राज्य बन गया था। रोमवासी अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार करना के लिए प्रयत्नशील थे। इसी क्रम में रोमवासियों के कार्थेज के साथ युद्ध हुआ, जो 264 ईसा पूर्व से
146 ईसा पूर्व तक चलते रहे। इन युद्धों को प्यूनिक युद्ध के नाम से जाना जाता। कार्थेज नगर अफ्रीका के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित था, जो एक व्यापारिक नगर था। कार्थेज नगर ईसा पूर्व 30वीं शताब्दी तक आते आते अत्यंत शक्तिशाली हो गया, निरंतर विस्तार कर रहा था। कार्थेज की बढ़ती हुई शक्ति व साम्राज्य विस्तार की नीति से रोम को स्वयं के लिए खतरा दिखाई देने लगा। उन्होंने कार्थेज पर आक्रमण कर दिया। रोम व कार्थेज के मध्य 3 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध 264 ईसा पूर्व से 241 ईसा पूर्व के मध्य, द्वितीय युद्ध 218 ईसा पूर्व से 201 ईसा पूर्व के मध्य और तृतीय युद्ध 149 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। इन तीनों ही युद्धों में कार्थेज की पराजय हुई। तीसरे युद्ध में रोम विजय हुआ। रोम की सेना ने कार्थेज में अत्यधिक अत्याचार किए। विद्वान लेखक बस ने लिखा, विश्व में शायद ही इतना निरंकश, क्रूर एवं बब्बर युद्ध हुआ होगा। घर घर की तलाशी लेकर रोम के सैनिकों ने कार्थेजों को कत्ल किया। कार्थेज को जलाकर राख कर दिया गया व बड़ी संख्या में कार्थेज के निवासियों को दास बना लिया गया। इस विजय से रोम भूमध्य सागर के क्षेत्र की सर्व प्रमुख शक्ति बन गया। इसके पश्चात रोम ने कानून एशिया माइनर व मिस्र आदि पर भी अधिकार कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जूलियस सीजर कौन था? जूलियस सीजर का जन्म 100 ईसा पूर्व में हुआ था। वह एक उच्च वर्ग में धनी कुल में उत्पन्न हुआ था। वह एक अच्छा योद्धा और अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह एक अच्छा सेना नायक भी था। 58 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक उसने अपने कई गौरवपूर्ण विजय प्राप्त की। इन विजयों के कारण वह रोम में विख्यात हो गया। 46 ईसा पूर्व में रोम का अधिनायक बन गया। अधिनायक बनते ही उसने संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। वह महान दूरदर्शी व्यक्ति था। हालांकि उसने रोम के समस्त शासन को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया था, फिर भी उसने रोम के गणतंत्र के स्वरूप को नष्ट नहीं किया। उसने गणतंत्र के समस्त प्रशासनिक अंगों को पूर्व की भक्ति ही रखा, लेकिन गणतंत्र के सभी विभाग उसके इशारे पर काम करते थे। जूलियस सीजर शासन की बुराइयों से भली भांति परिचित था, अतः उसने उन्हें दूर करने का भरसक प्रयास किया। उसने रोम की आर्थिक दशा सुधारने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए। उसने राज्य की जनगणना करवाई तथा रोम के आसपास कई बस्तियों भी बसाई। उसने रोम को सुंदर बनाने की योजना भी तैयार कराई। उसने सेना में इटली के बाहर के व्यक्तियों को भी स्थान दिया तथा सेना नायकों को सीधे अपने प्रति उत्तरदायी बनाया। इससे स्पष्ट होता है कि जूलियस सीजर एक अच्छा प्रबंधक था, एक कुशल प्रशासक होने के साथ साथ वह एक अच्छा लेखक भी था। निस्संदेह जूलियस सीजर अल्पकाल में ही शक्तिशाली प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था, परंतु उसकी ख्याति ही उसके लिए अनेक शत्रु उत्पन्न करने का कारण बन गई थी। रोम के गणतंत्रवादी उसके एकतंत्री शासन से अप्रसन्न थे।
सीनेट का एक वर्ग भी उससे अप्रसन्न था। इस कारण सीनेटरों ने एक षड्यंत्र रचा। उनका नेता ब्रूट्स था। वह एक धनी एवं सम्राट व्यक्ति था। इसके साथ ही वह जूलियस सीजर का मित्र भी माना जाता था। उसने सीनेट हाल में ही छुरा घोप कर जूलियस सीजर की हत्या कर दी। बच्चों, मैं राकेश पांडे आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ और रोम साम्राज्य का इतिहास, इसके बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में बताया, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया, यहाँ के कानून संहिता के बारे में आपको बताया। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, अध्ययन करिए और इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको हल करिए, जो लघु प्रश्न है उनको हल करिए, और कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से संपर्क आप कर सकते हैं।